तो हेलो गाइस, स्वागत है आपको आज के नए ब्लॉग में। और मैं फ़िलहाल अभी देहरादून में हूँ, और मैं जहाँ से रुका था देहरादून में, वहाँ से करीब 30 किलोमीटर आगे है टपकेश्वर महादेव धाम। और जस्ट मैं यहाँ भी पहुँच चुका हूँ, और सबसे पहले पूजा वगैरह करके, और यहाँ पूरा मैं दिखाने का कोशिश करूँगा। बहुत ख़ास मंदिर कहा जाता है यहाँ का, बहुत ही चर्चित मंदिर है, और काफ़ी लोग यहाँ आते हैं श्रद्धालु लोग पूजा अर्चना करने के लिए, और भगवान महादेव का मंदिर है। तो फिलहाल चलते हैं, अभी पूजा करते हैं पहले। तो गाइस, फिलहाल हम पहुंच चुके हैं टपकेश्वरम महादेव धाम, और यहां सबसे पहले हम स्नान करते हैं। अब देख सकते हैं मेरे पीछे जो पानी बह रहा है गंगा, उसी में हमको भी यहां स्नान करना है। उसके बाद पहले पूजा अर्चना, उसके बाद पूरा मंदिर घूम के हम वीडियो दिखाएंगे। और काफ़ी कुछ ज़्यादा खूबसूरत है, और यहाँ का बहुत ही ज़्यादा फेमस मंदिर है, जो कि शिवरात्रि में काफ़ी ज़्यादा यहाँ भीड़ उमड़ता है श्रद्धालुओं को। और मैं मंदिर का पूरा वीडियो कोशिश करूँगा कि कवरेज करूँ, और आप वीडियो में लगातार बने रहिए। और अभी तो स्टार्ट हुआ है यार मेरा घूमने का, लगातार वीडियो भी एक से बढ़कर एक मिलते रहेगा। तो गाइस, अभी मैं स्नान यहाँ कर लिया हूँ, और अब चलते हूँ मंदिर की तरफ पूजा अर्चना करने के लिए। और गाइस, यहाँ का जो व्यू लोकेशन है आप देख सकते हैं कितना प्यारा है। यहाँ सुरीली पानियों का आवाज़, पंछियों का आवाज़, मतलब बहुत सुकूनदायक जगह है यार। आप देख सकते हैं दोनों तरफ से पहाड़ है, और बीच में नदी आया है, और पूरा पहाड़ का पानी इसी तरफ से गया है। और जस्ट मेरा पीछे आगे इधर मंदिर है, वहाँ पर भी मैं पूजा करूँगा। और जो आगे का भी व्यू है वो भी बहुत ही अमेजिंग है, और खुद देखो आप, अब खुद देख सकते हो कितना मस्त लोकेशन यहाँ से है यार। इतना मस्त, दोनों तरफ से जंगल पहाड़, और बीच में पानी बह के आया है, और काफ़ी ज़्यादा, और पानी भी यहाँ काफ़ी ज़्यादा देख सकते हैं, पूरा एकदम साफ सुथरा है। जब मैं यहाँ नहाया तो बहुत मुझे अच्छा लगा नहाने में भी, पूरा ठंडा ठंडा पानी है, क्योंकि यहाँ उत्तराखंड में उतना गर्मी नहीं है जितना हमारा झारखंड वगैरह में रहता है। और फिलहाल चलते हैं, सबसे पहले मंदिर में पूजा वगैरह करते हैं, उसके बाद पूरा मंदिर का आपको वीडियो दिखाऊंगा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा यहाँ का चर्चित मंदिर है, और टपकेश्वर महादेव धाम करके जो बहुत प्रसिद्ध है। और फिलहाल मैं चलता हूँ पहले पूजा करने के लिए। बहुत कम स्पेस में हम लोग अभी झुक झुक के जाना पड़ रहा है।
गाइस अभी पूरा मंदिर का भी नहीं पूजा किए हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा यहाँ गुफा है और मंदिर भी काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत खूबसूरत यहाँ बनाया गया है। और अभी आधा मंदिर का हम पूजा कर चुके हैं और आधा भी बाकी है, तो चलते हैं फिर अगला मंदिर में हम पूजा करने के लिए। मंदिर का पूरा वीडियो आप लोग को मिलेगा, जो काफ़ी ज़्यादा उम्मीद है कि आप लोग को पसंद आएगा। मैं अंदर अभी हूँ मेन मंदिर में, और मेन मंदिर जहाँ वहाँ पे तो वीडियो बनाना अलाउड नहीं है, इसीलिए वहाँ पे मैं वीडियो शूट नहीं कर रहा हूँ। ये थोड़ा सा बाहर निकलता हूँ, देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा इमेजिंग कार यहाँ पे गुफाएँ बनाए गए हैं, बनाए गए नहीं बल्कि पहले से ही बना हुआ है, देख सकते हैं। और अभी मैं पूरा गुफा का अंदर हूँ, आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा इमेजिंग डार्क गुफा है। और जो वो दरबार दिख रहा है वही रहा मेन मंदिर, बट वहाँ वीडियो बनाना मेरे को अलाउ नहीं है, इसलिए मैं वहाँ अंदर जाके मैं वीडियो शूट नहीं कर सकता हूँ। बहुत ही अद्भुत नज़ारा है यार, आप देख सकते हो बहुत ही अद्भुत नज़ारा है, और बहुत शांत है यहाँ जगह, बहुत साफ़ सुथरा भी है, बहुत सारे मूर्तियाँ भी हैं यहाँ बनाए गए। पूरा मैं पूजा कर चुका हूँ, ये रहा मेन मंदिर है। मंदिर के अंदर मुझे आवाज़ मतलब बोल के वीडियो बनाना उतना अलाउड नहीं था, इसलिए मैं बहुत कम आवाज़ में मतलब बोल पाया हूँ। पता नहीं आप लोगों को कैसा लगा, मुझे उम्मीद है कि मस्त ही लगा होगा। बहुत अच्छा दरबार है, यहाँ हर प्रकार से देवी देवताओं हैं, और विशेषकर ये है तापेश्वरम धाम, महादेव का महाकाल का धाम है, और मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और फिलहाल यहाँ से मैं पूजा वगैरह कर लिया हूँ और यहाँ से फिर निकलता हूँ अपने रूम के लिए देहरादून। ये भी देहरादून है लेकिन अपने रूम से काफ़ी ज़्यादा हम आ गए हैं, करीब 30 किलोमीटर आ गए हैं, और फिर यहाँ से भी मेरे को अभी रूम चलना है। काफ़ी टाइम सफ़र करने के बाद फाइनली हम अभी जा रहे हैं रूम, मतलब रूम पास पहुंचने वाले हैं। करीब 1:00 अभी तो कुछ खाए तक नहीं है, और क्या है मैं बोलूँ, बहुत ज़्यादा धूप भी लग रहा है, और जस्ट मैं अभी रूम जाके पहले कुछ खाता हूँ, क्योंकि भूख भी लग गया और पार्सल ऑर्डर किया था वो पार्सल आ भी गया होगा मेरा।